फाइनली भोला फिल्म से रिलीज होने जा रहा है पहला गाना। ये गाना देख फिल्म के लिए आप हो जाएंगे और भी ज्यादा एक्साइटेड। पठान की अपार सफलता के बाद अब बॉलीवुड में जितनी भी फिल्में आने वाली है वो सब पठान के फॉर्मेट पे ही चल रही है। हम सबको बताया कि बॉलीवुड में सबसे पहले टीजर रिलीज होता है, इसके बाद ट्रेलर और फिर गाने। लेकिन पठान में मेकर्स ने ऐसा नहीं किया था। पठान में मेकर्स ने सबसे पहले टीजर रिलीज किया, फिर इसके बाद दो गाने रिलीज किए और आखिर में ट्रेलर रिलीज किया। और इसका नतीजा क्या हुआ हम सबको पता है। पठान फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई और सिनेमा घरों में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि फिल्म का टीजर आया तब ये फिल्मों को लेकर काफी बज बना था। और फिर जब गाने आए तो लोग ये गाने को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। और फिर ट्रेलर को फिल्म रिलीज के कुछ ही दिन पहले रिलीज किया था, इसके लिए पठान का बस कम नहीं हुआ। अब आने वाली जितनी भी फिल्में हैं वो भी यही प्लान पर चल रही है। सलमान खान की आने वाली फिल्म किसी का भाई किसी का जान भी उसी फॉर्मेट पर चल रही है। यहाँ तक कि अजय देवगन की भोला फिल्म भी उसी स्टाइल में चलेगी। हम सबको बताया कि भोला फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है। अब बारी है फिल्म के पहले गाने की, जो कि पहला गाना काफी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार रहने वाला है, जिसकी झलक हमने टीजर में भी सुनी थी। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ये गाना फिल्म को काफी हाईलाइट करेगा। जब ये गाना रिलीज होगा आप ये फिल्म को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि गाने में अजय देवगन का बिंदास और स्वैग वाला अवतार आपका दिल जीत लेगा। और जो ये गाने में आइटम गर्ल होगी उसकी झलक टीजर में थोड़ी सी दिखाई गई है, जिसको अभी कह पाना मुश्किल है कि वो कौन सी अभिनेत्री है। दिखने में वो भी कृति सैनन जैसी लग रही है, लेकिन जब गाना रिलीज होगा तब हमें पता चल जाएगा कि वो हीरोइन कौन सी थी। अब आते हैं गाने की रिलीज पर। तो कब आएगा भोला फिल्म का पहला गाना? तो बता दें कि भोला फिल्म का पहला गाना रिलीज होने की तैयारियों में है। मेकर्स ये गाने को 2 हफ्ते के भीतर रिलीज कर देंगे, यानी कि इस महीने के एंड तक ये गाने को रिलीज किया जाएगा। अब आते हैं फिल्म पर। तो ये फिल्म तमिल इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर कैथी का ऑफिशियल हिंदी रिमेक है, जिसको अजय देवगन ने डायरेक्शन दिया है। जी हाँ, ये फिल्मों में अजय देवगन एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर भी है, और फिल्मों में अजय देवगन का लकी चार्म माने जाने वाली तबू भी है, यानी कि ये फिल्म वैसे भी काफी दमदार रहने वाली है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप कितने एक्साइटेड है भोला के गाने को लेकर। ये न्यूज़ पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें।